हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग सीखेंगे कि आप अगर आइटम का जो ग्रुप होता है उसका ग्रुप एनालिसिस आप चेक करना चाहते हो तो वो आप टेली में किस तरीके से चेक कर सकते हो, वो चीज़ हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप एनालिसिस होता क्या है, जैसे कि आपने आइटम क्रिएट किए और आइटम का आपने ग्रुपिंग किया हुआ है। जैसे कि मेरा कंप्यूटर शॉप है तो मेरे यहाँ पे बहुत सारे आइटम हैं, माउस, कीबोर्ड, लैपटॉप, और लैपटॉप में बहुत सारी वेरायटी आती है। एचपी का लैपटॉप होता है, डेल का लैपटॉप होता है, माउस में भी डेल एचपी का माउस होता है, एंटीवायरस में भी नॉनटन एंटीवायरस है, क्विकल एंटीवायरस है। तो मैंने बहुत सारे आइटम बनाए और उसका मैंने ग्रुपिंग किया हुआ है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एंटीवायरस है तो एंटीवायरस के अंदर नॉर्टन एंटीवायरस है और इसका मैंने ग्रुपिंग में सिलेक्ट किया हुआ एंटीवायरस, एंटीवायरस प्रो है, क्विकिल एंटीवायरस, इंटरनेट सिक्योरिटी है, तो इन सब का मैंने ग्रुपिंग सेट किया हुआ एंटीवायरस में। मतलब मुझे सारे एंटीवायरस के प्रोडक्ट का इसी ग्रुप के अंडर में मिल जाएगी। सेम चीज़ मैंने यहाँ पर माउस का भी ग्रुपिंग किया हुआ है, माउस यूएसबी एसर, माउस यूएसबी डेल। तो आप चाहते हो कि आप ग्रुप वाइज जो भी आपका स्टॉक ग्रुप है तो आप पर्टिकुलर ग्रुप वाइज आप एनालिसिस चेक करना चाहते हो कि आपने एंटीवायरस में आपने कौन कौन एंटीवायरस किस किस पर्सन से आपने परचेज़ किया है, किसको आपने सेल किया हुआ है, उसका रेट वगैरह, वो डिटेल अगर आप चेक करना चाहते हो तो वो आप किस तरीके से चेक कर सकते हो, वो चीज़ मैं आपको इस रूम में सिखाऊंगा, जिसको हम लोग ग्रुप एनालिसिस बोलते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा डिस्प्ले, इन्वेंटरी बुक्स, मूवमेंट एनालिसिस, स्टॉक ग्रुप एनालिसिस। यहाँ पर आपको जाना होगा स्टॉक ग्रुप एनालिसिस में। जिस भी ग्रुप का आप डिटेल चेक करना चाहते हो आपको वो ग्रुप आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको सारे ग्रुप दिखाई देंगे जो भी आपने क्रिएट किए होंगे और इसके अंदर सारे आइटम का डिटेल भी आपको यहाँ से पता चलेगा। जैसे कि अगर मुझे एंटीवायरस का चेक करना है तो जैसे मैं यहाँ पे उसको एंटर करता हूँ तो जितनी भी एंटीवायरस की प्रोडक्ट होगी यहाँ पे देख सकते हो कि एंटीवायरस, नॉर्टन, क्विकिल, इंटरनेट सिक्योरिटी, जो भी आइटम का मटेरियल इन आउट का प्रोसेस हुआ होगा वही आपको आइटम यहाँ पे दिखेगा। जो आपने क्रिएट किया वो नहीं दिखेगा, बट आपने जो आइटम आपने परचेस इनवर्ड आउटवर्ड किया होगा वही आपको यहाँ पे शो करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे अगर पर्टिकुलर एक आइटम को सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ तो ये आइटम मैंने कौन से सप्लायर से परचेस की है, और अगर यहाँ पे और अगर एक बार एंटर करता हूँ तो अगर एक से ज़्यादा अगर यहाँ पे बिल होगा तो उसका भी आपको यहाँ पे डिटेल पता चलेगा, और किस किस पर्सन को यहाँ पे मैंने सेल किया उसका भी डिटेल मिलेगा। मैंने यहाँ पे केस में सेल किया हो तो केस का डिटेल भी यहाँ पे मुझे पता चलेगा। तो इस तरीके से हर एक आइटम का आप डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर मुझे माउस का चेक करना है तो माउस के अंदर भी सारे माउस की डिटेल यहाँ पे पता चलेगी, इनवर्ड आउटवर्ड एंटर करोगे तो यहाँ पे आपका सप्लायर का डिटेल और आउटवर्ड में बायर का डिटेल भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों बस इसलिए मैं आपको मैं यही चीज़ गाइड करना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो बनाते रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और अपडेट के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।